जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त मेरा मेंटोर सलाउद्दीन जौहर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट से। आज यहाँ पे साल का सेकंड डे है 2022। सर्दी की शिद्दत ज़रा कम है, क्लाउडी वेदर है, बट सर्दी की शिद्दत कुछ रोज़ में बढ़ने का इम्कान है। आज की वीडियो वीज़ा गाइड के बारे में है, अमेरिका का वीज़ा। काफ़ी बड़ी तादाद है लोगों की जो यहाँ आना चाहती है, और मुझे ऐसी इंक्वायरीज भी मिलती हैं जिसमें लोग कहते हैं कि आप हमसे इतने लाख ले लें, फिर 20 लाख ले लें, 25 लाख ले लें और हमें वीज़ा दिला दें। तो दोस्तों, इस तरह का कोई सीन नहीं है। आप लोग ख़ुद ऑनलाइन अप्लाई करेंगे अपना, मैंने आपको गाइड किया है, आप अब भी करूँगा इस वीडियो में। इस वीडियो को तवज्जो से सुनिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप तक पहुँचा सकूँ। तमाम प्रोसेस ऑनलाइन है। अगर आप पाकिस्तान से मिडल ईस्ट से अप्लाई करना चाहते हैं अमेरिका के लिए B1 B2 विजिटर वीज़ा जो होता है, तो तमाम प्रोसेस ऑनलाइन है। D160 फॉर्म कहलाता है ये। आप उनकी वेबसाइट पे जाके US एम्बेसी की, पाकिस्तान की या रेलेवेंट कंट्री की, जब आप गूगल करेंगे तो आपको उनकी साइट मिल जाएगी। उसकी साइट पे जाएं, वहाँ पे वो D160 फॉर्म मौजूद है, उसको डाउनलोड करें, उसको कंप्लीट करें, और ऑनलाइन ही सबमिशन है। उसके साथ उसकी फ़ीस है, मेरा ख्याल है कोई इट्स नॉट मोर देन 20-22,000 PKR में, ज़्यादा नहीं है। वो आप सबमिट करवाएं, ऑनलाइन ही सबमिट होगी। साथ में एविडेंसेस डॉक्यूमेंट्स अटैच करें कि आपके रूट्स क्या क्या हैं वहाँ पे उस कंट्री में। मिसाल के तौर पे अगर आप गल्फ़ में हैं, सऊदीया में, तो आपकी नौकरी, अपनी जॉब का एविडेंस, कंपनी से इजाज़तनामा। पाकिस्तान में है तो आपकी मैरिज सर्टिफिकेट, आपका बिजनेस का एविडेंस कि आपका कोई, कि आप, सो दैट यू कैन शो कि यू हैव रूट्स, और आप जाएंगे और फिर उसके बाद वापस भी आएंगे। तो ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। जब आप सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद फिर आप वेट करेंगे वीज़ा इंटरव्यू का। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जिस मुल्क की एम्बेसी से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं। पाकिस्तान में कराची कौंसलेट भी है, पाकिस्तान इस्लामाबाद भी है, लाहौर भी है। तो जो आप मेंशन करेंगे कि भाई मैं यहाँ इंटरव्यू देना चाहता हूँ, वहाँ पे आपको इंटरव्यू। ये ज़रूर है कि COVID-19 पेंडेमिक के बाद जो टाइम पीरियड है इंटरव्यू का, वो बहुत लेंथी हो गया है। यहाँ तक कि मेरा ख्याल अभी जो रिसेंट इंफॉर्मेशन है वो 280 डेज तक बारी आती है, 280 डेज, तकरीबन एक साल हो जाता है। तो ये ज़रूर है कि प्रोसेस तो सारा ऑनलाइन है, लेकिन नाउ इट इज़ टाइम टेकिंग। जब मैंने 2017 में दिया था तो हार्डली कोई 20 डेज में मेरी इंटरव्यू कॉल आ गई थी, और दैट वॉज़ वेरी एमिकेबल इंटरव्यू। और मेरा दुबई का इन्वेस्टर वीज़ा भी उस पर लगा हुआ था और तमाम एविडेंसेस सामने थे, तो आई हैड नो डिफ़िकल्टी। तो आप भी अगर इस सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, तो कोई मुश्किल ऐसा सच होगी नहीं। अगर आपकी रूट्स हैं, आपका इंटेंशन बड़ा राइट है, क्लियर है। अगर आप कोई लेटर मंगवा सकें US से, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, तो दैट वुड मल्टीप्लाई योर अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा जी, इसके साथ साथ फिर जॉब्स के लिए भी लोग पूछते हैं कि US में हम जॉब कैसे कर सकते हैं। US देर इज़ नो डाउट इट्स अ ह्यूज वर्ल्ड, 52 स्टेट्स का क्लस्टर है, ये बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ी जॉब्स बहुत हैं, ऑड जॉब्स भी हैं, आपकी फील्ड से रेलिवेंट जॉब्स भी हैं। लेकिन अगेन चैलेंज यही है कि आप पहले यहाँ आएं, और नॉर्मली यूजुअली B1 B2 बड़ा आइडियल रूट होता है। यहाँ पहुँच के आप उसके बाद उसको किस तरह के वीज़े में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको स्टडी वीज़े में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको रेजिडेंट स्टेटस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जॉब भी आप ग्रैब कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू योर ओन एफर्ट्स, विजन, इंटेंशन एंड योर लक एज वेल। तो दोस्तों, ये था आज का जौहरनामा न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट से।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको आप समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि आपके दोस्तों के साथ शेयर होनी चाहिए, प्लीज़ हिट शेयर बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मैंने इस वीडियो में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, इसके बावजूद अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए, हम कंसल्टेंसी ज़रूर प्रोवाइड करते हैं जिसकी नॉमिनल सी फीस है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। उस फीस में हम आपको तमाम कंसल्टेंसी देंगे कि आप किस तरह से इस सारे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करते हुए आप अपने वीज़ा को इंश्योर कर सकते हैं। तो उसमें हम आपकी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं अगर आपको हमारी कंसल्टेंसी चाहिए। तो इसके लिए हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ मेंशन कर दिया, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपको नॉमिनल चार्जेस में वीज़ा, यूएस वीज़ा की कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी मज़ीद वीडियोज़ रेगुलरली आती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सारी पसंद आएंगी।